So we have already entered the fourth month of 2023 and 2023 के चौथे महीने में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन खासतौर पे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के सेगमेंट में एक नेक्स्ट लेवल का स्टेप लेते हुए दिख रहा है। बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं और बहुत सारे पुराने बड़े ब्रांड्स जो अब तक ईवी सेगमेंट से रिफ्रेन कर रहे थे वो भी इस सेगमेंट में अब एंटर हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ग्रीव्स कॉटन, जो कभी से कंपोनेंट्स बनाता है 1859 से, वो अब रिटेल मार्केट में अपना पहला हाई स्पीड स्कूटर लेकर आ रहा है। यस, दिस राइट हेयर विद अस इज अ 2023 एम्पियर प्राइमस। ये स्कूटर क्या कुछ ऑफर करता है, इसके राइवल्स के साथ कैसा स्टैंड आउट करता है एंड चलाने में कैसा है, वो सारी डिटेल्स आप पाएंगे इन दिस वीडियो। यू आर वॉचिंग 91 व्हील्स, माई नेम इज तेजन एंड लेट्स सी हाउ दिस स्कूटर एक्चुअली वर्क्स लाइक। सो नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन एंड फीचर्स से और फिर स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, चलाने में कैसा है, बट वो सब बोलने से पहले आई विल लाइक टू अप्रिशिएट एम्पियर की पूरी टीम को बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्कूटर। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अपने सेगमेंट में। राइवल्स लाइक ओला, एथर एंड इवन टी वी एस आई क्यूब, ऑल्सो बजाज चेतक, उन सब राइवल्स की अपने यूएसपीज हैं, बट इस स्कूटर की यूएसपी होने वाली है इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है, फिट एंड फिनिश उस पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट किया है। ओवरऑल डिज़ाइन यू कैन मेक आउट पेट्रोल आई स्कूटर से मिलता जुलता है। माइंड यू, एम्पियर का एक और लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है विच इज़ कॉल्ड मैग्नस, एंड उससे कहीं ना कहीं इसका डिज़ाइन मेल खाता है, बट बिकॉज ये एक हाई स्पीड स्कूटर है तो इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा उससे बड़ा किया गया है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस एंड साइज एज वेल। फ्रंट पे आप देखेंगे तो आपको मिलेंगी LED DRLs, आई विल जस्ट स्विच इट ऑन एंड सो दिस इज़ हाउ द DRL लुक्स लाइक। तो रोड पे विजिबिलिटी अच्छी है एंड स्पेसिफिकली जो ये बीक है इसका फ्रंट का, दिस इज़ कॉल्ड एज आर्कटिक स्टर्न डिज़ाइन। तो यही डिज़ाइन, आर्कटिक स्टर्न डिज़ाइन, हमने देखा था आने वाले दो हाई स्पीड स्कूटर्स एम्पियर के एट द इंडियन ऑटो एक्सपो 2023। तो थोड़ा सा उसके डिज़ाइन का मिक्स एंड ग्राफिक्स का मिक्स आप यहाँ देख सकते हैं फ्रंट पे। अगेन द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज्ड इज़ वेरी नाइस। फ्रंट पे आपको 12 इंच का MRF का टायर मिलता है विच इज़ ट्यूबलेस। अलॉय व्हील्स आपको दिए गए हैं। सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, बट डिस्क ब्रेक आपको इसमें नहीं मिलने वाला है, ना ही फ्रंट पे ना ही रियर पे। रीजन ब्रेकिंग यस है इसमें एंड वो कितनी इफेक्टिव है वो मैं आपको इस वीडियो में लेटर ऑन बताऊंगा। एंड कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, अगेन इसका USP जो है वो इसकी छोटी डायमेंशंस एंड स्लिम बॉडी टाइप है, जो कि शहर में बड़ा काम आने वाला है बिकॉज इस स्कूटर को चलाते टाइम फ्लिक करना बहुत ईजी है, जो मैंने टेस्ट राइड के दौरान फील भी किया। अनदर पॉजिटिव थिंग इज़ दैट कि जो सीट का साइज़ है दैट इज़ जेनरस, कंफर्ट एंड कुशनिंग बहुत अच्छे से की गई है, ऑल्सो सीट फैब्रिक एंड स्टिचिंग इज़ वेरी नाइस। ओवरऑल क्वालिटी लेवल्स ऑन द प्राइमस आर डेफिनेटली नॉच अबोव। राइवल्स के साथ कंपेयर करें तो कुछ राइवल्स से बेहतरीन मैं बोलूँगा प्राइमस पे आपको क्वालिटी लेवल्स देखने में मिलते हैं। एंड माई हाइट इज़ 6 feet tall, सो यू कैन मेक आउट कि प्राइमस पे बैठने के बाद कोई मेरी बॉडी टाइप वाला अडल्ट कैसा फील करने वाला है या दिखने वाला है। सो फर्स्ट थिंग, जब आप बैठते हैं आपको मिलेगा यहाँ पर सामने को LCD कॉन्सोल। दिस इज़ नॉट अ TFT स्क्रीन एंड दिस इज़ नॉट अ डिजिटल कलर्ड स्क्रीन। ऑल दो इसमें आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं, यू गेट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो आप अपने SMS एंड कॉल अलर्ट्स इस पर देख सकते हैं। आपको मिलता है डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड ऑब्वियसली कि आपकी बैटरी में अभी कितना जूस बचा है, यानी कितनी रेंज आपकी बैटरी में अभी बची है। टाइम आपको डिस्प्ले होता है एंड डेफिनेटली स्पीड, साथ ही साथ ऑडोमीटर कितने किलोमीटर्स चला है एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा फ्रिल्स इस स्क्रीन में आपको नहीं मिलेंगी। अगेन डिस्पाइट ऑफ द क्वालिटी लेवल्स आपको यहाँ पर एक टॉगल स्विच मिलता है जिससे आप ऑन द गो इसके 3 power modes के बीच में स्विच कर सकते हैं। सो इट हैज़ 3 power modes, सबसे पहले इकॉनमी, डेंसिटी एंड पावर। ये चलने में कैसा है ये भी मैं आपको जल्दी बताता हूँ। ऑन द लेफ्ट साइड आपको रिवर्स का टॉगल स्विच अलग से दिया गया है। हमने देखा है कि राइवल्स रिवर्स का एक ही टॉगल स्विच में ऑप्शन देते हैं, बट यहाँ पर अलग है। नाइस टच,
कई बार ऐसा होता है कि गलती से आप जब स्टैंड स्टिल पे होते हैं तो आप रिवर्स में इलेक्ट्रिक स्कूटर को पुश कर देते हैं, तो रिवर्स का अलग होना इज़ ए नाइस टच। एंड कमिंग डाउन साइड ऑफ द फुटबोर्ड एरिया, सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगी है स्कूटर में, दैट इज़ कि आपको यहाँ एक बहुत ही जेनरस एंड बहुत ही डीप काइंड ऑफ स्टोरेज स्पेस मिलता है, पॉकेट बोल सकते हैं। पानी की बॉटल मेरे हाथ में है, छोटी है बट ये पूरी इसके अंदर आ गई है। उसके बावजूद माई वॉलेट इज़ ऑलरेडी देयर, आई हैव पुट माई राइडिंग ग्लव्स इन इट, एंड साथ ही साथ वहाँ पर मुझे एक USB फ़ोन चार्जिंग स्लॉट भी मिलता है, नाइस टच। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक सामान, अपना कोई भी आप पॉली बैग या कुछ बैग टांगना चाहते हैं तो उसका हुक दिया गया है। क्वालिटी इज़ अगेन वेरी नाइस। नॉर्मली हम आई स्कूटर्स में ये हुक यहाँ देखते हैं बट इसको यहाँ प्लेस किया गया है। दिस इज़ गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ द लेग स्पेस जो कि ऑलरेडी आई थिंक कम है बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मुझे एक राइडिंग के दौरान इसका नेगेटिव साइड भी पता चला। जब मैं इसके स्टेयरिंग को या हैंडल को रोटेट करता हूँ तो ये मेरे नी को टच हो रहा है, तो ड्यूरिंग मेकिंग यू टर्न्स, खासतौर पे जब बहुत टाइट यू टर्न कर रहे हैं तो हैंडल जो है वो मेरी लेग को टच हो रहा है। सो दिस मीन्स एनी अडल्ट ऑफ माई बॉडी टाइप एंड माई हाइट इज़ गोइंग टू फेस दिस इशू। मे बी शॉर्ट राइडर्स विल फील ईजी या उनकी लेग्स को ये टच नहीं होगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रियर एंड, एक तो आपको मिलता है 22 लीटर का ह्यूमंगस स्टोरेज स्पेस विच यू कैन ऑपरेट थ्रू द की फॉब। इसको आप बस रोटेट कीजिए, ये खुल जाएगा। एंड हेयर एज यू कैन सी यू कैन पुट योर हेलमेट, फुल फेस आपको हेलमेट आप रख सकते हैं। इसके अलावा यू कैन पुट योर स्टफ, फॉर एग्जाम्पल माई पुलओवर, आई हैव placed it over here, and small soft bags. Nice touch. Also, you get a LED light. तो अंधेरे में you can make out कि आपका सामान कहाँ रखा है और क्या रखा है। And now coming towards the rear end, आपको यहाँ पर again एक बहुत बड़ा grab rail मिलता है जिसकी quality बहुत ही sturdy है। This means कि आप इस पर luggage easily mount कर सकते हैं। एंड अगर आप इसे डिलीवरी सर्विसेज में यूज़ करने वाले हैं तो दिस इज़ गोइंग टू कम वेरी हैंडी। इसके अलावा पीछे का डिज़ाइन अगेन बहुत ही जेनरिक सा और आइस या पेट्रोल पावर्ड स्कूटर्स जो होते हैं उससे मेल खाता है। एंड अगर फ्रंट एंड साइड रियर प्रोफाइल को हम आपस में कंपेयर करें तो आई थिंक इसका रियर प्रोफाइल इज़ बिगर बिकॉज आपको हब माउंटेड मोटर मिलती है यहाँ पर, एंड साइड में आपको बैटरी की एंड द मैकेनिकल्स की जो कवरिंग है वो दी गई है। अगेन हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ हाउ द ओवरऑल डिज़ाइन एंड फीचर्स ऑफ इट लुक लाइक। LED लाइट आपको हेडलाइट मिलती है, हेलोजन टेल लाइट मिलती है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, डिजिटल आपको LCD स्क्रीन मिलता है बट वो कलर्ड स्क्रीन नहीं है, एंड एम्पल ऑफ स्टोरेज स्पेसेस मिलते हैं। चलाने में कैसा है well, देखते हैं अभी इसे रोड पर कैसा बिहेवियर करता है। तो स्पीकिंग ऑफ द राइडिंग एक्सपीरियंस, सबसे पहले मैं स्पेसिफिकेशंस आपसे शेयर कर देता हूँ। 3 kWh का बैटरी पैक है इसमें, विच इज़ LFP, यानी उसको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के हिसाब से टेस्ट किया गया है। 4 kW का इलेक्ट्रिक मोटर आपको मिलती है जो कि हब माउंटेड है, एंड अगेन उसको भी हर वेदर कंडीशन, हर एक्सट्रीम कंडीशन से पास किया गया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो 0 to 40 km/h, वन ऑफ द फास्टेस्ट इन इट्स सेगमेंट ये क्लेम करती है कंपनी, यानी 4.2 सेकेंड इज़ द टाइम कि ये 0 to 40 लेने वाला है। एज आई टोल्ड यू, इसमें 3 पावर मोड्स मिलते हैं आपको, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इकोनॉमी मोड में चला रहे हैं तो मैक्सिमम राइडिंग रेंज जो आप ARA सर्टिफाइड अचीव कर सकते हैं दैट इज़ 107 km/h। एक्चुअल रियल वर्ल्ड की बात करें तो 100 km तक, 100 या 100 से हल्का से ऊपर भी आप अचीव कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप इसे राइड कैसे कर रहे हैं। इकॉनमी मोड में स्कूटर लेथार्जिक फील होता है ऑब्वियसली, एंड बैटरी का रीजनरेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जब आप एक्सेलरेटर छोड़ते हैं स्कूटर आपको फील होगा कि वो ऑटोमेटिकली स्लो ज़्यादा हो रहा है। सिटी मोड मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा हैंडी साबित होने वाला है, इसमें एम्पल ऑफ पावर है एंड 60 km/h तक की आप टॉप स्पीड इसमें अचीव कर सकते हैं, तो ओवरटेकिंग इनसाइड द सिटी, स्लो मूविंग ट्रैफिक से आगे निकलना, सिटी मोड एक सिंगल पैसेंजर के लिए यानी एक राइडर के लिए
मोर देन एनफ है. पावर मोड अगेन इज आई थिंक इज गोइंग टू कम हैंडी जब आप किसी पिलेन के साथ राइड कर रहे हैं या अपहिल जा रहे हैं या ऐसे सेक्शन में हैं जहां पर आपको फास्टली ओवरटेक करना है. पावर मोड में ड्यूरिंग आवर टेस्ट राइड वी फाउंड आउट कि 80 km/h पे ये स्कूटर सस्टेन कर पा रहा था, इजीली चल पा रहा था. हालांकि इसकी टॉप स्पीड क्लेम्ड 77 km/h है बट ऑन द स्पीडोमीटर 81-82 km/h हमने देखा, मे बी ड्यू टू द डाउनहिल. एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी वो थी इसकी ब्रेकिंग. सिटी के हिसाब से मे बी अराउंड 40-50 km/h की स्पीड तक आपको शायद ये निराश नहीं करेगा, बट वंस यू क्रॉस दो स्पीड्स, अगर आउटस्कर्ट्स पे हैं 60-70 पे चला रहे हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ती है, तो आई थिंक आगे अगर डिस्क ब्रेक मिलता ज़्यादा हेल्पफुल होता. ऑल दो इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, नो ABS, टायर्स कैन लॉक अप इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेकिंग. दिस इज़ वन ऑफ द आई विल से वीक पॉइंट्स ऑफ द प्राइमस. राइड क्वालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है. फ्रंट पे टेलीस्कोपिक, पीछे आपको ड्यूअल शॉकर्स मिलते हैं और उसकी वजह से एक प्लाइंट राइड क्वालिटी आई विल से. ऑल दो पॉट होल्स पे, लोअर स्पीड्स पे यू माइट फाइंड अगर आप अकेले चला रहे हैं कि थोड़ा सा स्टिफ है स्कूटर. द एबिलिटी टू मैन्यूवर द स्कूटर ट्रैफिक में, फ्लिक करना एंड ईजिली लेंस स्विच करना इस स्कूटर के लिए इज अ पीस ऑफ केक. ऑल थैंक्स टू द शॉर्ट व्हील बेस एंड द शॉर्ट डायमेंशंस. तो आप इसको डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हैं सिटी के अंदर. अगर आप आउटस्कर्ट्स पे चला रहे हैं या एंथुजियास्टिकली राइड करना चाहते हैं तो आई थिंक प्राइमस विल ऑफर यू डिसेंट एक्सपीरियंस बट नॉट वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. सो कमिंग टू द वर्डिक्ट कि एम्पियर प्राइमस आपको लेना चाहिए कि नहीं, वेल द प्राइस ऑफ द स्कूटर इज प्रीमियम. 110,000 रुपये एक शोरूम पे ये स्कूटर अवेलेबल है पैन इंडिया. राइवल्स की बात करूँ तो आप ओला S1 ले सकते हैं इसमें. इस प्राइस में आप एथर खरीद सकते हैं 450X प्लस माइंड यू, एंड TVS iQube भी आप इस प्राइस में खरीद सकते हैं. ऑल ऑफ दोज राइवल्स ऑफर देयर डिफरेंट USPs, उनके अपने पॉजिटिव्स हैं. इस स्कूटर के पॉजिटिव्स इसकी बिल्ड क्वालिटी है. इस स्कूटर का पॉजिटिव इसके पीछे का बड़ा ब्रांड वैल्यू है. नेटवर्क की बात करें तो 750 के अराउंड टच पॉइंट्स पैन इंडिया एम्पियर ने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिए हैं, यानी अगर आप ये स्कूटर लेते हैं तो सर्विसिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बिग इशू. प्राइसिंग येस डेफिनेटली ऑन द प्रीमियम साइड. अगर आप एक सॉर्टेड स्कूटर चाहते हैं एंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश राइवल से हटके कुछ लेना चाहते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड चॉइस. आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसे ज़रूर टेस्ट राइड करके देखें बिफोर मेकिंग योर बाइंग डिसीजन. And also bookings are open and you are interested to know कि ये scooter कितनी warranty देता है. This comes with a standard 3-year and 30,000 km warranty, battery पे, electric motor पे and पूरे scooter पे. So yes, company की तरफ से बहुत अच्छा support system customers के लिए already develop किया जा चुका है. Scooter बहुत sorted तरीके से design किया गया है, performance अच्छी है, pricing थोड़ी सी premium है, बाकी पैसा आपका, decision आपका. आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे अपने थॉट्स शेयर कीजिए कि क्या इस प्राइस पे आप एम्पियर प्राइमस को प्रेफर करेंगे. व्हाट आर द थिंग्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्राइमस के साथ. एंड ऑल्सो मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और ऐसे ही डिटेल्ड राइड रिव्यू के साथ. तब तक प्लीज़ राइड सेफ, वियर हेलमेट एंड कीप वॉचिंग 91 व्हील्स. प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो.